इस वीडियो को बनाने का मकसद है सिर्फ एंटरटेन करना, ना कि किसी के दिल को ठेस पहुंचाना। तो दोस्तों इसको सीरियस ना। इस बार भी हम लोग सब लोग मिलके दिवाली मनाएंगे, पटाखे नहीं जलाएंगे, किसी भी हालत में अपने को पटाखे नहीं चलाने। A few moments later. चट देनी मार के खींच के तमाचा। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। हेलो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल, मेरा नाम है यश मिश्रा। आप सब कैसे हैं? ठीक ही होंगे? नहीं। म्यूजिक। दिवाली त्योहार है खुशियों का, तो चलिए उस पे फोकस करते हैं। ओस न खबर है ये कैसा असर है तुमसे मिलने के बाद ये दिल भर। जैसे वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान में टीवियां फूटती है। तेरी जुल्फों से खेलूंगा मैं, तुझको बाहों में लूंगा मैं। हमारे यहाँ पे सेम ऐसे ही दिवाली में पटाखे फूटते हैं। वाह। दिवाली त्योहार रोशनी का, नाचने का, पागल होके नाचो और नाच के पागल हो जाओ, गाना गाने का, जग घूमिया थारे जैसा न कोई, इंटरनेट पे फुद्दू वीडियोस बना के क्रिंज फैलाने का। अरे भाई साहब जरा अच्छे से बम फटाके दिखाइए। आइए ये देखिए पिछवाड़ा बम, और ये देखिए हाजमोला बम, और ये देखिए मूली खा के बम। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। बस बस अबे बेसुरा कहीं का। दिवाली की शुरुआत कैसे होती है? दिवाली आ रही है, सफाई कर लेते हैं। अगर आपको पटाखे फोड़ना अच्छा लगता है तो थोड़ा संभाल के, नहीं तो आपकी भी हालत ऐसी हो जाएगी। सबको एक डायलॉग तो याद ही होगा कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, दौलत है, तुम्हारे पास क्या है। लेकिन अगर इसी डायलॉग को दिवाली में कन्वर्ट करे तो कैसा लगेगा, चलिए देखते हैं। मेरे पास आज चक्री है, रॉकेट है, अनार है, लड़ी है, तेरे पास क्या है? मेरे पास पटाखे फोड़ते वक्त ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनिए, नहीं तो आपका भी हालत इन जैसा हो जाएगा। नो 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 नो। जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था, दिवाली का सिर्फ इंतजार करता था, लेकिन हमारी मैडम हमको दे देती थी दिवाली का होमवर्क। हाँ वही गाय के ऊपर निबंध, विज्ञान के ऊपर निबंध, गांधी जी के ऊपर निबंध, और वो भी एक बार नहीं 10-10 बार। बस फिर बिना होमवर्क के स्कूल गए तो मैडम जी ने ना हमें गाय बनाया, ना गांधी जी बनाया, और ना ही विज्ञान का कोई साइंटिस्ट। मैडम जी ने हमें बनाया मुर्गा। तेरी जुल्फों से खेलूंगा मैं, तुझको बाहों में लूंगा मैं। अगर आप चाहते हैं कि आप भी घर पे पटाखे बनाएं तो इनसे सीख लीजिए। आप सभी से निवेदन है कृपया दिवाली पर पटाखे ना खरीदें। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। पटाखे आप घर में ही बनाएं, पता है कैसे? अच्छा बोलो तुम्हारे। मूली के पराठों के साथ लहसुन की चटनी, थोड़ी सी हींग, और लहसुन की चटनी डबल मात्रा में लेंगे तो आप रॉकेट भी बन सकते हैं। अगर आप जमीन पर लेट गए तो आप चरखी या अनार भी बन सकते हैं। तेरे पास कोई और रास्ता है? आज का वीडियो यहीं पे समाप्त। दिवाली का त्योहार, कैडबरी का प्रचार, आप सबको नमस्कार। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन सबको प्रेस कर देना। और नाउ इट्स दिवाली, सो लेट्स डांस। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल।
गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल।